चाइना की वजह से भारत का स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया और अमेरिका में भयंकर महंगाई आ चुकी है। रशिया के ऊपर जितने भी सैंक्शंस लगाए थे वेस्टर्न कंट्रीज ने, उसके लिए पुतिन ने कहा है कि तुम्हारे सैंक्शंस फेल हो चुके हैं। जबकि असल बात यह है कि रशिया के अंदर भी सामान की भारी कमी है, मगर बाकी विश्व का भी हाल बुरा है। यहाँ पर एक सवाल बन जाता है कि चाइना में जो कुछ हो रहा है कहीं वो किसी स्ट्रेटेजी का तो हिस्सा नहीं, क्योंकि चाइना कितना झूठ बोलता है सबको पता है। तकरीबन 100% वैक्सीनेशन का दावा करने वाले चाइना के अंदर इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है और उनकी तकरीबन आधी जीडीपी इस समय लॉकडाउन में फंसी है। समस्या यह है कि चाइना के ऊपर इतनी ज्यादा निर्भरता बढ़ चुकी है पूरे विश्व की कि चाइना की वजह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डावाडोल हो जाती है। इस समय का जो झगड़ा है वो यूक्रेन के नाम पर रशिया और वेस्ट के बीच में हो चुका है। रशिया के ऊपर सैंक्शंस की भरमार कर दी जाती है और पूरे विश्व से इसको काट के रख दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि रशिया से बाकी विश्व का कोई लेना देना नहीं, तो वहां पर जो होता है होता रहे, मगर ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वहां के प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार रशिया है, मगर ये बात सभी स्पेशलिस्ट के गले नहीं उतर रही कि इस स्टेटमेंट का मतलब आखिर क्या है। टारगेट तो करना था रशिया के स्टॉक मार्केट को, मगर आज के दिन जैसा हाल इंडिया का हुआ है वैसा का वैसा हाल अमेरिका का, वेस्टर्न कंट्रीज का काफी समय से चल रहा है। चाइना की वजह से जो लॉकडाउन पड़ा है उसका असर इंडिया में ऐसा हुआ कि 5 दिन में 8 लाख करोड़ रुपए भारतीयों के स्वाहा हो गए। शेयर्स की वैल्यू बुरी तरीके से नीचे गिर गई और पूरे स्टॉक मार्केट में हाहाकार मच गया। वर्ल्ड बैंक ने यहां पर एक चेतावनी जारी की है, पूरी स्टडी के अंदर बोला है कि पूरे वर्ल्ड का भट्टा बैठने वाला है, मगर इंडिया की हालत बाकी कंट्रीज से बेहतर रहेगी। आज के दिन जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स की विकास दर 3.7 रहेगी, उससे भी ज्यादा गिर जाएगी। पर यूरोप का जो बाकी हिस्सा है उसका भी कबाड़ा होना तय है, 2-3% के अंदर ये सिमट जाएंगे। पूरी की पूरी रिपोर्ट के अंदर देखा जा सकता है कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो इंडिया ही है। यहाँ पर देखिए पूरी की पूरी लिस्ट है, बाकी जो डेटा है उसके अंदर इंडिया की पोजीशन साफ तौर से दिखाई दे रही है कि इंडिया सबसे ज्यादा 8.2 की विकास दर शो करेगा। ये वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा है, बाकी कंट्री से बहुत ज्यादा। मगर सवाल ये आ जाता है कि विश्व की ऐसी हालत का असल जिम्मेदार क्या है। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा माल इन वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका के पास में है, अब ये कमाते कैसे हैं? पूरे के पूरे यूरोप को रशिया की तरफ से सस्ती गैस मिलती है, सस्ती एनर्जी मिलती है। रशिया को अगर बायकॉट कर दिया जाता है तो इसका मतलब इस पूरे के पूरे वेस्ट को दुगना ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। अब खर्चे तो हो गए हैं दुगने, मगर वेस्ट सबसे ज्यादा कमाता किससे है? वहां पर बहुत सारी फैक्ट्रीज तो है नहीं, वो आखिर कमाता कहां से है? जवाब इसका यह है कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज है चाइना के अंदर सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज को इस्तेमाल करती है, यहां पर माल बनाती है और उसको अलग अलग जगह एक्सपोर्ट करती है, जिसमें रशिया भी शामिल है। कोई भी सामान आप उठा के देख लो सबके पीछे मेड इन चाइना लिखा मिलता है, मगर उसके ऊपर ब्रांडिंग होती है अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज की। अब यहां पर जो ब्रांड्स हैं सबसे ज्यादा यूरोप के चलते हैं, बनती यहां पर फैक्ट्री चाइना में है और कंज्यूमर इसका पूरा का पूरा विश्व है। अगर यहां पर फैक्ट्री बंद हो जाए, लॉकडाउन के अंदर चली जाए, तो इनकी इनकम तो जाएगी गिर, और जबकि इनका एक्सपेंडिचर अभी 2 गुना हो चुका है एनर्जी पर सैंक्शन लगाने की वजह से। सैंक्शंस का जो असर हुआ है अमेरिका इससे अछूता नहीं है, उस पर फर्क है, मगर यूरोप की हालत तो बहुत ही खराब है। मोटे तौर पर यूरोप डिपेंडेंट था कि रशिया से सस्ता एनर्जी ले लेगा और चाइना से सस्ते प्रोडक्ट्स लेकर उसके ऊपर मार्जिन बनाकर बेचेगा। जिस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर लॉकडाउन चल रहा था चाइना जम के माल बना रहा था, और अब जब पूरा का पूरा वर्ल्ड खुला हुआ है चाइना वहां पर लॉकडाउन मचा रखा है। चाइना के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा ये इलेक्ट्रिकल आइटम्स, कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह होते हैं। सभी के सभी कंट्रीज की सभी कंपनीज में तनाव इस बात का है कि उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती जा रही है और उनका जो प्रोडक्शन चाइना के अंदर है वो बंद हो चुका है। इसी वजह से पूरे विश्व का स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, इंडिया का भी हो रहा है, मगर इंडिया फिर भी ठीक पोजीशन में है। ये सारी की सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं। आप छोटे से एग्जांपल से समझिए कि मछली तो उसी समंदर से पकड़नी है, उसकी कीमत क्यों बढ़ रही है? अमेरिका के अंदर दूध, दही, मक्खन वगैरह तो 35-40% तक उछाल मार चुके हैं। इंडिया के आसपास वाली कंट्रीज, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, सभी के ऊपर फर्क आ रहा है, मगर इंडिया के ऊपर फर्क नहीं आ रहा। इंडिया का जो स्टैंड है वो फिलहाल विश्व के समझ से बाहर है। रशिया के साथ में उसके रिश्ते बढ़ते जाते हैं, साइंटिफिक कोलैबोरेशन भी अब शुरू हो जाएगा रशिया के साथ, और इस चीज को चाहे हमारी किस्मत कह लीजिए कि जो जो चीजें हम बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वही वही चीजों की कमी हो रही है रशिया के अंदर। और ये जो एक्सपोर्ट्स हैं ये सैंक्शंस के दायरे से बाहर हैं, इसलिए इनको मना भी नहीं किया जा सकता। अब घूम फिर के वही बात आ जाती है, सारे के सारे इंडिकेटर, सारी की सारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंडिया से ज्यादा भाग्यशाली देश इस समय कोई और नहीं है, जबकि हमारा पड़ोस
बर्बाद हो रहा है, क्या ये हमारे लीडर्स की एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग थी या हमारी किस्मत? नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।